क्या आप वही ओजी हार्डकोर प्लेयर हो जिसको भाई इवेंट थीम मोड से कोई लेना देना नहीं है, ये रैंगल में कोई थीम मोड आए नहीं आए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको नॉर्मल क्लासिक ही पसंद आता है, और उसके साथ साथ आप वही प्लेयर हो जिसको रिकॉल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक ही लाइफ इनफ है, तो भाई आपके लिए आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में एक न्यू रैंकिंग जो कि आप डोमिनेट कर सकते हो। जी हाँ, आज हम लोग वही ये वीडियो में देखने वाले, और इधर आप देख पा रहे अल्टीमेट रॉयल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हार्डकोर प्लेयर के लिए तो एकदम बोल सकता हूँ नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और जो जो बंदे अपना गेम प्ले इंप्रूव करना चाहते हैं कोई भी बोल सकते हो एडवांटेज लिए बिना, ना ही रिकॉल का ना ही बोल सकते हो सॉफ्ट टोकन का, तो भाई आपके लिए भी ये चीज़ है, आप अपना जो गेम प्ले उसको आप इससे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये चीज़ को देखने का पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। लाइक आपको पता है 3.4 अपडेट में हम लोग टेकन 8 के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसके चलते न्यू प्राइस पैक देखने को मिलेगा, जिसका मैं आपको ऑलरेडी लुक दिखा दिया था, काफ़ी जल्दी 3D लुक आने वाला, तो उसका कुछ और इमेजेस आ गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये तीन कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई एक कैरेक्टर आप चूज कर पाओगे और बाकी आप क्रेट से भी निकाल सकते हो। इसके साथ साथ क्रेट जो होगा उसमें आप फ्री में भी ओपन कर पाओगे, लाइक ड्रैगन बॉल जैसे ही ये थोड़ा बहुत होगा, और मुझे लगता है ड्रैगन बॉल जैसे ये कॉस्ट होने वाला, क्योंकि ये अच्छा खासा कोलैबोरेशन है। ठीक है, इसका कुछ इमेजेस निकल के आया, कुछ ही दिन में हम लोग इसका 3D लुक का गेम प्ले आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग का नेक्स्ट सीजन का टीयर रिवॉर्ड भी निकल के आ चुका है। ये जो टीयर रिवॉर्ड है बीजामा का अंदर एक सीजन बाद आएगा, अभी टाइम है, बट पबजी का नेक्स्ट सीजन आने वाला है। ठीक है, तो इधर आप देख पाए साइकिल 7 सीजन 20 आपको देखने को मिल रहा है। गोल्ड टीयर में हम लोग को ये फीमेल वाला आउटफिट मिल जाएगा जो कि काफी ठीक ठाक सा लग रहा है। उसी के साथ साथ प्लैटिनम टीयर में आपको ये ग्लासेस मिल जाएगा, पैरासूट आपको साइकिल शॉप से मिल जाएगा 1800 कॉइन में, उधर से आप रिडीम कर सकते हो साइकिल 7 सीजन 20 का। उसी के साथ साथ हम लोग का डायमंड टीयर में इस बार SKS का स्किन मिलने वाला है वापस से। टीयर रिवॉर्ड में काफी ज्यादा SKS का स्किन आया है, ये काफी कलरफुल भी है, काफी ठीक ठाक सा लग रहा है, ये आपको मिल जाएगा डायमंड टीयर में। जैसे आप एज टीयर पहुंचोगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएगा, उसके साथ साथ एज डोमिनेटर पहुंचोगे तो ये हेडगियर मिल जाएगा ग्रीन कलर का जो काफी ठीक ठाक सा लग रहा है। उसके साथ साथ एज डोमिनेटर में आपको मिल जाएगा ये अवतार, एंड आपको पता है कॉन्करन में हम लोग को ये फ्रेम मिल जाएगा। तो गाइस इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, पहले भी जैसे लोग थीम मोड खेल के अपने रैंक अप करते थे डायमंड हो जाए क्राउन हो जाए ऐसा करके अप करते थे, वैसे अभी भी होने वाला, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला, ये चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, पहले जैसे चलता तो वैसे ही होगा। एडिशनल जो जो बंदे प्योर हार्डकोर प्लेयर है, अपना जो गेम प्ले है उसको और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए एडिशनल एक और न्यू चीज ऐड होने वाला, जिसका नाम आपको देखने को मिल रहा क्लासिक मोड का बगल में आपको देखने को मिल रहा जेनिथ क्लैश, और ये जो चीज़ है यही पूरा न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, इसके बारे में आज पूरा डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं, इसका रूल्स आप देख लीजिए, इसमें क्लिक करेंगे चाइनीज में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुका हूँ, इधर आपको देखने को मिल रहा। इसका नाम है हार्डकोर जेनिथ क्लैश, नाम से पता चल रहा है ये पूरा जो रैंकिंग होने वाला है प्योरली हार्डकोर होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, लाइक आपको कोई भी रिकॉल्स में नहीं मिलने वाला है, इवन लूट भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, नॉर्मल लूट जो होता है आप कोई भी गन इनिशियल फेज में मिल जाएगा उसी को लेके चलना पड़ेगा, और ना ही आपको शॉप भी देखने को मिलेगा जिससे आप अपना फेवरेट गन निकाल पाओ। ठीक है, तो एकदम प्योर हार्डकोर मोड जो खेलते थे ना पहले उसी तरह का, उतरो आपके पास एक ही लाइफ है, अगर स्टार्टिंग में मर गया तो खत्म, पूरा मैच देखते रहो अपने टीममेट का, और आपको सर्वाइव करना है, जो भी गन मिले उससे आगे बढ़ना है, जैसे जैसे गन मिलते जाएगा और अच्छा तो आप चेंज करते रहोगे, तो इस तरह का ये होने वाला है। इसमें आप देखकर पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल सा है, आप जैसे क्राउन टीयर पहुंच जाओगे या प्रीवियस सीजन भी अगर आप क्राउन टीयर पहुंच गए थे आपके लिए जो अल्टीमेट रॉयल है ना ये खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्राउन टीयर के नीचे प्लेयर हो तो आपके लिए ये नहीं रहेगा, बट क्राउन टीयर करना अभी बहुत बड़ा बात नहीं है, इजीली बिना देखे भी आप इवेंट मोड खेलते रहते इतना रिकॉल रहता है ना, इजीली क्राउन पहुंच जाते हो, और जैसे कि बताया प्रीवियस सीजन में भी अगर आप क्राउन पहुंच जाते हो या करेंट सीजन में भी क्राउन पहुंच जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ चुका। सेकेंड जो चीज़ आप देख पा रही है, जो जेनिथ क्लैश आप देख पा रही है, हमेशा नहीं रहने वाला, ये जैसे ही हम लोग का सीजन स्टार्ट होगा उसका 14 डेज बोल सकते हो या 2 वीक्स बाद जाके ये आने वाला, तो ऐसे मत सोचना कि आज सीजन स्टार्ट होगा तो आज ही ये आ जाएगा, जी नहीं, 2 वीक आपको वेट करना पड़ेगा, और ये 2 वीक में आप आराम से क्राउन पहुंच जाओगे ये करेंट सीजन में, और जैसे ही आप क्राउन पहुंच जाओगे उसके बाद जैसे 2 वीक बाद ये आ जाएगा उसमें आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी ने लिखा हुआ ओपनिंग टाइमिंग द पीक कॉम्पिटिशन विल बी ओपन फॉर अ लिमिटेड टाइम एवरी डे, तो ऐसा नहीं कि 2 वीक बाद जब ये आ जाएगा तो उसके बाद ये 24 घंटा आपके लिए खुला रहेगा, जी नहीं, ये लोग आपके पर्टिकुलर सर्वर में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव टाइम है उसी टाइम ये खुल जाएगा। जैसे हम लोग का बोनस चैलेंज आया था कुछ दिन पहले, आपको पता है 2 टाइमिंग में वो ओपन करते थे, एक दोपहर में 12 बजे का बाद बोल सकते हो
और उसके बाद एक शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ऐसा एक कुछ टाइमिंग था। तो उस टाइप का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, अलग अलग सर्वर में जो टाइम में ज़्यादा लोग एक्टिव रहते उस टाइम में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें लिखा हुआ द पीक कॉम्पिटिशन विल बी ओपन फॉर अ लिमिटेड टाइम एवरी डे एंड द ओपनिंग टाइम पीरियड इज डिफरेंट इन ईच रीजन, जैसे ही बताया। उसका फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ कि टीम फॉर्मेशन कैसे आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका पूरा स्क्वाड क्राउन पहुंच जाता तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चारों का चारों जैसे पहले खेलते थे वैसे चारों बंदे को लेके खेल सकते हो, कंप्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं कि रैंडम के साथ ही आप खेलना पड़ेगा, बट एक कंडीशन है कि सब बंदे को क्राउन पहुंचना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई प्लेयर नहीं आता तो आप रैंडम के साथ भी खेल सकते हो ऑटो मैच ऑन करके। पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ ये जो मोड होने वाला है ये केवल टीपीपी में ही होने वाला और स्क्वाड में ही होगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, इधर हम लोग क्लिक करते इधर आप देखते हो ना ही हम लोग सोलो सेलेक्ट कर पा रहे ना ही डुओ। ऑटो मैचिंग आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, मान लो आपका पूरा स्क्वाड नहीं है, आप नहीं चाहते रैंडम के साथ खेलने के लिए, आप सोलो खेलना चाहते हो तो वो चीज़ कर सकते हो। बट रिकमेंड यही रहेगा कि आप अपने पूरा स्क्वाड को लाओ, नहीं तो भाई रैंडम के साथ खेलो, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल ही जाएगा क्योंकि वो भी मेहनत करके इधर आया है, तो इसलिए आप ले सकते हो, ठीक है। और इसमें आप पीपीपी अवेलेबल नहीं है, तो आप स्क्वाड टीपीपी खेल सकते हो, ऑटो मैच ऑफ एंड ऑन वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया ये भी चीज़। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो मैप इन्फॉर्मेशन, मैप में केवल दो ही मैप को अभी के लिए यूज़ किया जाएगा, वो है भाई क्लासिक ओजी इरेंगल एंड क्लासिक ओजी मीरामार। तो ये जो दो मैप है जो 2018 में लॉन्च हुआ था वही दो मैप को यूज़ किया जाएगा, और ये पूरा पूरी हार्डकोर होने वाला, ना ही सॉफ्ट देखने को मिलेगा, ना ही नेक्स्ट लेवल वाला लूट मिलेगा, नॉर्मल लूट जैसे होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और आखिर में ये दोनों मैप में डिफॉल्ट वेदर होगा, मतलब विजिबिलिटी पूरा 100% होगा, सनी वेदर होने वाला, ना ही इसमें कोई भी डायनामिक बारिश वरिश होगा, आपको विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अभी इसका हम लोग रैंकिंग एंड रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इधर आप देख पर ध्यान से देखो, ऊपर एक रैंकिंग आपको दिखाई दे रहा है, करंटली आप देख पर ये वैनगार्ड 5 दिखाई दे रहा, तो इसका भी अलग अलग टीयर्स होने वाला है, लाइक हम लोग का कॉन्करर डायमंड वैसे होता है ना, इसमें भी अलग अपना टीयर होने वाला है। और इसमें क्या क्या टीयर होने वाला है चलो इसका बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पर जेनिथ लेजेंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें लिखा हुआ अर्न बाय रीचिंग द लेजेंड रैंक इन जेनिथ क्लास। तो लेजेंड रैंक जैसे आप पहुंच जाओगे इसमें, या लेजेंड टीयर बोल सकते हो जो क्लास ऑफ क्लैन के याद दिलाता है, उसमें हम लोग एक टाइटल हम लोग को उधर मिल जाएगा, ठीक है। उसका जेनिथ पियरलेस आपको देखने को मिल रहा है, गिवन टू द प्लेयर हु रीच द पियरलेस रैंक, ठीक है। तो इसमें रैंक सिस्टम है जैसे कि बताया। जेनिथ सुप्रीम भी आपको देखने को मिलेगा, अवार्डेड टू द प्लेयर हु रीच द सुप्रीम रैंक। उसका जेनिथ हॉल ऑफ फ्रेम टॉप 100, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ द टॉप 100 प्लेयर एट द एंड ऑफ द सीजन गेट इन टू द जेनिथ हॉल ऑफ फ्रेम, दिस इज बिग ऑनर। इसमें भी रैंकिंग होगा और इसमें भी टॉप प्लेयर होंगे, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई बीजेमआई के अंदर अगर आए तो भाई वो हैकर लोग वो हॉल ऑफ फ्रेम में नहीं देखना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले हैकिंग ठीक कर लो, उसके बाद ही ये चीज़ भाई लॉन्च करना, नहीं तो भाई हैकर लोग ही हॉल ऑफ फ्रेम में जाने वाले, नॉर्मल प्लेयर तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। खैर हम लोग पबजी को भी ध्यान रखते हुए वीडियो बना रहे थे, पबजी के प्लेयर का हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद टॉप 10 जो एकदम ऊपर टॉप 10 का प्लेयर होंगे सीजन का एंड तक, उनको भी बोल सकते हो और अलग रिवॉर्ड मिलने वाला, मतलब 10 ऐसा बंदा आपके रीजन में डोमिनेट कर रहा है उसको अलग रिवॉर्ड मिलेगा। और वो भाई एक काइंड ऑफ शो ऑफ भी होने वाला कि भाई आप हार्डकोर खेल के टॉप 10 पहुंचे हो। हालांकि बताना चाहूँगा कि ये जो मोड होने वाला है इसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है पबजी के अंदर, बीजेमआई के अंदर कैसे वर्क करेगा मुझे पता नहीं। इधर हम लोग ज्वाइन में जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो इधर आप देख पर स्टार्ट हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो एक अलग से बोल सकते हो इंस्पेक्शन स्टार्ट हो चुका है, मतलब पहले पूरा स्कैन किया जाएगा सबके डिवाइस में जो जो मैच में जाएगा, और उसके बाद जाके आप मैच के अंदर एंटर ले सकते हो डायरेक्टली। जैसे क्लासिक मोड में एक क्लिक करोगे और घुस जाते हो वैसे नहीं होने वाला, इसमें पूरा स्कैनिंग चलेगा, अब उसके बाद जाके आप मैच के अंदर एंटर ले सकते हो। इधर में आपका डीएस पकड़ लिया जाता है तो भाई इधर ही बैंड हो जाओगे, आप अंदर मैच के अंदर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो भाई पबजी के लिए तो काफ़ी अच्छा वो काम करता, नहीं पता बीजेमआई के लिए ये लोग ये सिस्टम लाएंगे कि नहीं। खैर इसमें अच्छा चीज़ है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ये लोग डाल दिए, ठीक है। अभी इसका मैं आपको रिवॉर्ड्स दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रॉबली ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना बीजेमआई के अंदर अभी नहीं, नेक्स्ट वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग का सीजन 19 आना पेंडिंग है बीजेमआई के अंदर, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सीजन 20 में आने वाला, तो बीजेमआई के पास अब थोड़ा सा और भी टाइम, इतना जो बोल सकते हैं एंटी चीट है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि बीजेमआई के अंदर एक सीजन पीछे चल रहा है पबजी के कंपेयर, आप सबको पता ही है। तो इसी चलते एक सीजन बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इधर सबसे पहला रिवॉर्ड आप देख पा रहे हो जो चैट्स होता है ना उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा C7H20 का। उसके साथ साथ आपको अपने प्रोफाइल में ये जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बताया आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपी वाला रिवॉर्ड मिल जाएगा कंप्लीटली फ्री।
उसके साथ साथ आप देख पा रही है, आपको अपने प्रोफाइल में एनिमेटेड वाला इन्फो कार्ड मिल जाएगा जो कि सबके पास नहीं होने वाले, काफ़ी रेयर है। पॉपुलैरिटी बैटल का होता है वैसे इसका भी खुद का एक आपको देखने को मिल जाएगा इन्फो कार्ड, ठीक है, और एक एनिमेटेड होने वाला जो कि काफ़ी कम लोगों के पास ये होने वाला, ठीक है, रिवॉर्ड। तो जितना भी आपको प्रोफाइल में ऑप्शन देखने को मिल जाता है सब में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, एक ही साथ पूरा बंडल मिल जाएगा और पूरा इक्विप कर सकते हो। उसके बाद आपको जैसे कि बताया अलग अलग रैंकिंग होने वाला है, तो सबसे ऊपर टीयर में जो जाएगा तो उसको मिथिक वाला ये वाला टाइटल मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद नीचे का भी और भी टीयर आपको मैं दिखाया, जैसे हम लोग का सुप्रीम टीयर है तो वो सब में लेजेंडरी वाला भी आपको टाइटल मिल जाएगा, उसके साथ साथ मिथिक का आप देख पा रहे हो। तो अलग अलग टीयर में अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेगा और ये कंप्लीट रिवॉर्ड्स में आपको दिखा दिया, और अभी एक्जैक्टली कौन सा रिवॉर्ड में क्या क्या आएगा मैं वो बाद में दिखा दूंगा, बट आपको आइडिया हो गया काइंड ऑफ कि भाई ये वाला पूरा जो सिस्टम है कैसे वर्क करेगा और इसमें क्या क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है अपकमिंग डेज में। अब काफ़ी रेयर होने वाला, उतना जल्दी इजीली आपका ये चीज़ नहीं होगा। तो आई होप आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका है ये न्यू रैंकिंग के बारे में, अल्टीमेट रॉयल के बारे में। जाते जाते एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इधर आपको लीडर बोर्ड्स भी देखने को मिल जाएगा और इधर भी आपको पूरा रैंकिंग दिख जाएगा, सर्वर में कितना टॉप में हो और उसी हिसाब से आप रैंकअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।